शोटाइम। कैसे प्रभास के कारण बढ़ रही है साहो 2 की मुश्किलें? क्या फिल्म के लीड ही फिल्म के फेलियर की वजह बन जाएंगे? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साहो बाहुबली के बाद प्रभास की दूसरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने सक्सेस के अल्टीमेटम पर चढ़ने के बाद काम किया था। उस वक्त प्रभास की पॉपुलैरिटी का आलम कुछ यूं था कि अगर वो किसी एड में भी दिख जाते तो वो भी ब्लॉकबस्टर हो जाती। और ये तो पूरी की पूरी फिल्म थी, वो भी एक एस्पियोनेज थ्रिलर फिल्म जिसमें श्रद्धा कपूर भी उनके साथ थी। भले ही फिल्म को काफी क्रिटिसिज्म मिला लेकिन फिल्म अच्छी खासी कमाई करने में सफल रही और अब लोग फिर एक बार साहो 2 की राह देख रहे हैं। ये तो साफ है कि इस कोरोना माहौल में मेकर्स इस फिल्म को हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, लेकिन बुरी खबर यह है कि शायद कोरोना के बाद भी इसकी किक स्टार्ट करने में समय लगे और इसका कारण है खुद प्रभास। क्यों? जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसका कारण है प्रभास की पॉपुलैरिटी और उनका बिजी शेड्यूल जिनके पास फिल्मों की लड़ी लगी हुई है। सबसे पहले नंबर पर है KGF डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ श्रुति हसन संग उनकी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म सालार। दूसरे नंबर पर है उनकी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अवेटेड एंड एक्साइटिंग फिल्म्स आदि पुरुष, जो कि हिंदू एपिक रामायण पर आधारित है जिसमें प्रभास भगवान राम की भूमिका निभाएंगे। इसका निर्देशन पिछले साल सबकी तालियां बटोर चुके तान्हाजी डायरेक्टर ओम रॉथ कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर है प्रभास का वो रेयर और अवेटेड रूप जो फैंस को काफी समय बाद देखने को नसीब होने वाला है, उनका रोमांटिक अवतार जो हमें जल्द ही उनकी अपकमिंग राधे श्याम में दिखने वाला है जिसमें मोहन जोदाड़ो फेम पूजा हेगड़े भी उनके साथ दिखेंगी। इन सारी फिल्मों की तो घोषणा हो चुकी है लेकिन प्रभास के पास कुछ अनअनाउंस्ड फिल्में भी हैं। नाग अश्विन के साथ उनकी अपकमिंग स्काईफाई फिल्म जिसमें दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी उनके साथ काम करेंगे और अपने बाहुबली डायरेक्टर SS राजामौली के साथ भी वो फिर से एक नई फिल्म में काम करने वाले हैं। इस तरह प्रभास के पास अवेटेड फिल्मों की एक पूरी लिस्ट है जिनमें से सबकी सब ब्लॉकबस्टर्स प्रिडिक्ट किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर साहो एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए प्रभास ऑलरेडी काफी क्रिटिसिज्म का शिकार हो चुके हैं। जाहिर है प्रभास इन फिल्मों को साहो 2 से अधिक प्रायोरिटी देंगे। ऐसे में साहो 2 आएगी भी या नहीं कोई नहीं जानता। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या इन सभी फिल्मों के बीच साहो 2 कभी बनेगी भी या नहीं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।